इस बोरियत भरे लॉकडाउन में एक बहुत ही एनर्जी वाली हेलो आपके अपने साउथ दिल्ली बाइकर की तरफ से एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो अभी मैं हूँ पंजाब में। आप लोग जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से पंजाब में हूँ अपनी स्टडीज़ के चक्कर में। और ये लॉकडाउन का फ्री पीरियड था मेरे पास, तो इसमें मैंने सोचा क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। मैं फार्मिंग सीख रहा हूँ और ट्रैक्टर वगैरह सीख रहा हूँ अभी इस टाइम में। तो अगर आप लोग कोई भी गलती नोटिस करें मेरी चलाते टाइम तो प्लीज़ इग्नोर इट, एज आई एम लर्निंग एंड एज बीइंग अ फार्मर, बीइंग फ्रॉम अ जट फैमिली, आई एम सपोज्ड टू डू ऑल दिस। तो वही सब आप लोगों के साथ शेयर करने की सोची मैंने। थोड़े बहुत काम है जो छूट गए, जिनके बाद में ये मेरा प्लान बना है ये पूरी सीरीज़ बनाने का। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को कैसी लगी। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं ये ट्रॉली में भरी हुई है खाद। इसको खाद वैसे बोलना सही नहीं है। तो घर में जो भी गाय भैंस वगैरह होती है दूध के लिए, जो भी जानवर घर में पाले जाते हैं उनका वेस्ट एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो वही ये वही वेस्ट है। तो अभी इसको हम ले जाके खेत में डाल देंगे, तो उससे फसल अच्छी होती है और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद। तो इसलिए मैंने इसको खाद बोला। तो आप लोग चलिए मेरे साथ एंड मैं जो भी रिक्वायर्ड इन्फो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये लेबर लगी हुई है, बहुत मुश्किल से मिली थी क्योंकि सारी लेबर अपने अपने गाँव वापस जा चुकी है। तो अभी इनको चढ़ा लेते हैं एंड दिस गाय वाज अमेज्ड टू सी कि कैमरा है ये। तो ही वाज आस्किंग कि क्या फ़ोटो खींच रहे हो, देन आई सेड नहीं वीडियो बना रहा हूँ, देन जस्ट लुक एट हिम, लुक एट हिम पोजिंग। अभी इन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, फोटो वीडियो, देन स्टार्टेड पोजिंग। दिस इज़ द क्रूज कंट्रोल ऑफ दिस ट्रैक्टर। तो ये होती है इसकी हाथ वाली रेस। तो अभी मैंने कोई एक्सेलरेटर नहीं दिया हुआ, मेरा पैर जो है बिल्कुल फ्री है। तो वी आर नाउ इन द थर्ड गेयर। तो हाई का थर्ड गेयर है ये। अभी लो का भी आपको बताता हूँ क्या सीन है। तो ये है हाई और लो का लीवर
अब ट्रैक्टर हो गया लो गियर में, तो अब ये जितने भी गियर चलेंगे इसके लो की स्पीड, लो स्पीड में चलेंगे, कम स्पीड में, और तो पुलिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है इससे, खींच आप ज़्यादा खींच सकते हो, ज़्यादा लोड खींच सकते हो। तो अब ये सारी मैल ट्रैक्टर को धीरे धीरे चलाते हुए लेबर खेत में उतारती रहेगी, तो इसको पंजाबी में मैल बोलते हैं। तो यू कैन सी कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये फिर भी चल रहा है, तो कोई एक्सेलरेटर नहीं, क्लच नहीं, तो कुछ भी नहीं किया हुआ। तो दिस इज़ दी एक्सेलरेटर, तो देसी क्रूज कंट्रोल बोलो आप इसको, ट्रैक्टर का क्रूज कंट्रोल होता है ये। एंड इसमें कोई भी स्पीडोमीटर नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये आरपीएम मीटर है इसमें, आरपीएम है, फ्यूल है, टेम्परेचर है, फ्यूल है, ये टेम्परेचर है, तो स्पीडो नहीं होता इसमें, क्योंकि स्पीड के लिए होते ही नहीं है ट्रैक्टर। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है इसकी इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग, तो अभी ये राइट साइड में मोड़ना था, तो इसलिए सिर्फ राइट साइड के टायर की ब्रेक लग रही थी, ऐसे टाइम में ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आप इनको क्लिप करके दोनों ब्रेक्स एक ही पैडल से चलती हैं। फिर ये इसके हेडलाइट का स्विच, इंडिकेटर का स्विच, हजार्ड लाइट का स्विच, और ये यहाँ पे पीछे लाइट लगी हुई है, इसका स्विच है ये वाली लाइट, दिस इज़ अ लाइट एंड व्हाट एल्स, एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट सिस्टम, बैटरी, कोई मुश्किल काम है, नॉट एट ऑल ईजी, तो पावर शेयरिंग है इसलिए शेयरिंग तो ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। दिस इज इट, एंड यहाँ पे डलता है इसका डीजल, दिस इज इट, एंड अब कल यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि इसी खेत को हम जोतेंगे, पंजाबी में बोलते हैं खेत बाना, तो इसको तैयार करेंगे अगली फसल के लिए। अब यहाँ से निकली है वीट, कनक, तो गेहूँ हिंदी में बोलते हैं आपका। सो नाउ वी आर डन विद द वर्क फॉर टुडे, आज का काम इतना ही, एंड उसके बाद अब कल आएंगे और इस खेत की वाही करेंगे, इसको तैयार करेंगे हैरों से, तो और उसके बाद इस खेत में बाजरा बीजा जाएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं शूट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड अगली वीडियो का वेट कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो फटाफट से कर दो, क्योंकि मैं तो लॉकडाउन में प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, so thank you so much for giving your time, thank you so much for watching the video, I hope you guys liked it, and jaate jaate video ko ek like deke jana, usse bahut help hoti hai, bahut encouragement milti hai aage aage achhi si video banane mein।